अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों बच्चों हम ये रोटेशनल डायनामिक्स का 9th लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों हमने पूरे लेक्चर्स में जैसा 7th लेक्चर 8th लेक्चर आपने देखा होगा उसमें क्या क्या देखे बच्चों, हमने देखा कि बैंकिंग ऑफ रोड, ये है बच्चों बैंक रोड जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेट करके इसको बड़ा कर दिए। हमने क्या देखा बच्चों कि जब कोई गाड़ी यहाँ पे ऐसा टर्न लेती है तो उसकी मोस्ट सेफ स्पीड क्या होती है, और हमको पता है बच्चों वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा। सबसे बड़ा मसला कैसा है बच्चों कि इसके अंदर हम ये थीटा का वैल्यू तो हमने ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे स्पीड लिमिट्स हमने लिया। स्पीड लिमिट्स बताने का मतलब ये है कि अगर फर्ज करो, आपने सोचा भी होगा कि ऐसे जाते वक्त क्या होगा, ऐसे रोड पे अगर आप गुजर रहे हैं, अगर आपकी स्पीड ये रोड पे कम होती है, इस तरह के रोड पे, इस तरह का रोड है, आपकी गाड़ी जा रही है और स्पीड कम होती है, कम होने की वजह से आपको जो स्पीड होनी चाहिए, गाड़ी अगर कम होती है तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी, लेकिन जब गाड़ी नीचे गिरती है तो उसका फ्रिक्शन कम होगा ऊपर की जानब, क्योंकि गाड़ी मोशन इधर कर रही तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट जानब जाता है, ये हमको पता है। और इसकी लोअर लिमिट यानी कम से कम कितनी स्पीड होना कि ये गाड़ी आराम से ऐसे टर्न ले ले, तो हमने ये फार्मूला देखा बच्चों आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस पर म्यू एस टेन थीटा प्लस वन। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं बच्चों, अगर ये गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो तो, गाड़ी की स्पीड अगर ज़्यादा हो तो ये गाड़ी इधर खिसक के चली जाएगी, तो हम ये देखने जा रहे हैं कि अपर लिमिट यानी मैक्सिमम इसकी स्पीड कितनी होना जिससे ये सेफली कितनी भी फास्ट जाओ सेफली ये टर्न ले ले, आज हम उसी को देखने जा रहे हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स का 9, जिसको हम बताते हैं बच्चों मैक्सिमम स्पीड, जिसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इसको नोट करके देख लो एक बार। तो बच्चों आज हम यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 8 में हमने देखा था मिनिमम स्पीड, आज हम देखने जा रहे हैं मैक्सिमम स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों अपर लिमिट। अब आ जाओ बच्चों ये डायग्राम पे, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में मैं तफसील से आपको पूरे 2 लेक्चर में इसकी चीज़ें सब समझा दिया कि यहाँ एन कॉस थीटा आता है, यहाँ एन साइन थीटा आता है, और यहाँ पे क्या आता है एन, और ये थीटा आता बोल के हमको पता है यहाँ पे क्यों आता, वो सब आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैं यहाँ पर बच्चों हम जो देखने जा रहे हैं मैक्सिमम स्पीड क्या होगा कि जब ये गाड़ी इस तरह से ऊपर चढ़ाव के ऊपर, जैसा हम बोलते हैं ना एलिवेट हो गई, एंगल थीटा हमने लिया, अब ये गाड़ी इस तरह से जा रही है, इस तरह से जब गाड़ी जाएगी तो अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, तो ये गाड़ी तो इधर खिसकते हुए उधर चला जाएगी, ये कार जो है बच्चों इधर इधर की जानब चली जाएगी, यानी कि इसका मोशन किस जानब हो रहा है, इस तरह से हो रहा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब ये मोशन इधर हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसको हम किससे जानते हैं बच्चों एफ से जानते हैं। तो आइए अब ये फ्रिक्शन फोर्स यानी कि कहाँ लगने वाला है, इस जानी लगने वाला, मोशन उधर तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, इसको हम बोलते हैं बच्चों एफ से जानते हैं। लेकिन क्योंकि हमने वेक्टर क्वांटिटी स्केलर वेक्टर में हमने पढ़ा था कि ये वेक्टर को हम यहाँ पे जब बना रहे हैं तो इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में यानी इसको पैरेलल भी हम वेक्टर बनाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये एफ है तो ये एफ को मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, तो अगर इसके पैरेलल अगर मैं बना दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों, जिसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ देखो, इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ F। ठीक है, अब बच्चों ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हमें 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये रिजॉल्व कब होगा, या तो हमें ये एंगल मालूम होना या फिर ये एंगल मालूम होना। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों इस साइड पे, अगर ये एंगल मालूम होना है तो ये जानब अगर चले गए तो यहाँ पर साइन है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, ये एंगल मैं बता रहा हूँ कि ये थीटा, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के अपोजिट में, जैसा थीटा के अपोजिट में साइन लगता है तो ये थीटा अपोजिट में एफ साइन थीटा हम बताएंगे, और इस जानिब इस साइड में हम क्या लेंगे बच्चों, क्या लेंगे बोलो बेटे, एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के करीब एफ कॉस थीटा आ गया, बात समझ में आ गई। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इस एंगल के हिसाब से इसके परपेंडिकुलर में हम यहाँ पर ले लेंगे एफ कॉस थीटा। ठीक है, आइए डायग्राम को देख लो, अब इसके बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं। बच्चों जो डायग्राम है, ये डायग्राम को ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में, तो इसको कम वक्त देते हुए हम खाली इसमें देख रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। मैक्सिमम स्पीड में हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर ये एफ कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे कौन आ रहा, एफ साइन थीटा, क्योंकि थीटा के पास कॉस होता है और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर में साइन होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि इस डायग्राम में ये एन कॉस थीटा ऊपर की जानी बता रहे और एम साइन थीटा और एम जी एम नीचे की जानी बता रहे,
इसका मतलब ये है कि ये n cos थीटा कौन से दो चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, ये n cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा है sin थीटा और mg, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा n cos थीटा विल बैलेंस mg प्लस f sin थीटा, mg प्लस f sin थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए प्लस ले रहे हैं। आ जाइए यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा, n cos थीटा, तो यहाँ लिखे हमने n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। लेकिन बच्चों अब हम यहाँ पर इसकी mg की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए f sin थीटा को इधर ला लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, n cos थीटा माइनस ये f sin थीटा प्लस है तो इधर आकर माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg। चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बता देते हैं। अब आ जाएंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2, इस साइड आ जाओ, इस डायग्राम की तरफ देखो, यहाँ पे n sin थीटा f cos थीटा, जब ये गाड़ी इस तरह से टर्न ले रही है तो वो सेंटर के जाने इस तरह से गोल घूम रही है, यानी कि इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा, ये n sin थीटा f cos थीटा को कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हमने बच्चों क्योंकि मरकज की जानिब इधर फोर्स बता रहे, तो इधर जो फोर्स आ रहा ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और ये फोर्स किधर आता है, किसके तरफ जाता है बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय आर, जो फार्मूला है मरकज जो कुव्वत का सेंट्रीपिटल फोर्स का है। आ जाएंगे यहाँ पे एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हम क्या सा बता रहे हैं इसको, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2 बता रहे हैं इसको। चलिए इधर आ जाएंगे डिवाइडिंग, जैसा पिछला हमने 8th लेक्चर में हमने किया था वैसे लेट 9th लेक्चर में भी कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 2 का राइट साइड में क्या है एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड में क्या है बच्चों एम जी, तो यहाँ हमने ये लिख दिया इक्वल टू इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड में क्या लिखा है एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा लिख दिया डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ, इसमें हमने जैसे पिछले इसमें किया था वैसे ही हम इसमें भी इस लेक्चर में भी कर रहे हैं, एम और एम कैंसिल कर रहे हैं, वी स्क्वायर को लिख दिया डिवाइडेड बाय आर जी, कैसा हुआ था मैं तफसील बता चुका हूँ उसकी। इसके बाद ये सेम इक्वेशन हमने यहाँ लिख दिया। अब आ जाएंगे बच्चों हमको स्पीड निकालना है, कौन सी स्पीड निकालना है, मैक्सिमम, जिसको हम बताते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट निकालना है तो हम लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी को हमने यहाँ पे ला लिया, बाकी का इक्वेशन हमने सेम लिख दिया, ठीक है। अब आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर क्योंकि हमको सिर्फ वी निकालना है तो इसको स्क्वायर रूट में ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखा वी इक्वल टू बाकी के पूरे इक्वेशन को हमने स्क्वायर रूट में लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको जैसा हमने एन कॉस थीटा से डिवाइड किया था वही करना है, चलिए इसके स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद फिर मैं इसको डिवाइड बाय एन कॉस थीटा में बताता हूँ। तो बच्चों हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करने पर ये इक्वेशन हमने पाए वी मैक्स इक्वल टू आर जी एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, इधर बोर्ड पे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इस चीज पर देखो कि यहाँ पर जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितनी ज्यादा इसकी स्पीड उतना ज्यादा फ्रिक्शन, इसका मतलब इसका फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम, फ्रिक्शन मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी, हो गया हमारा पिछले लेक्चर में म्यू एन, लेकिन साथ में क्या देन स्टैटिक फ्रिक्शन हम बता रहे हैं इसलिए म्यू एस एन बल्क बता रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जब होता है तो कौन सी स्पीड होती है इसकी, म्यू एन इसकी वैल्यू आती है। आ जाएंगे एफ की जगह पर हम म्यू एन रख सकते हैं, जैसे पिछले हुआ था वही टाइप का है बच्चों, कुछ ऐसा तब्दीली चेंजेस नहीं है। वी मैक्स इक्वल टू देखो आर जी हमने लिखा एन साइन थीटा वैसे लिख के प्लस एफ की जगह पे म्यू एस एन लिखे हमने, बाकी सेम इक्वेशन है, बाकी का सेम यहाँ पर आ गए माइनस, फिर इस एफ की जगह पे म्यू एस एन लिखे साइन थीटा वैसे लिख दिए, हो गया खाली एफ की जगह पे हमने पुट कर दिया, और क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। फिर वापस इस इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इस इक्वेशन बाय एन कॉस थीटा, चलो आ जाएंगे यहाँ पे वी मैक्स इक्वल टू आर जी वैसे रखे, इसको एन कॉस थीटा से डिवाइड किए, ये वैल्यू को भी एन कॉस थीटा से, तमाम वैल्यूज को एन कॉस थीटा से डिवाइड किया गया। अब जब इसको डिवाइड कर ले रहे हैं तो हमारे पास ये एन कैंसिल, फिर इसके बाद ये एन एन कैंसिल कॉस कॉस कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, इसके बाद ये म्यू एस वैसे रहा, एन और एन कैंसिल हुआ, ये बच गया। अब बच्चों याद है आपको पिछले लेक्चर में कह रहा था साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो वही हमने काम किया, वी मैक्स इक्वल टू आर जी हमने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा को हमने डायरेक्ट लिख दिया टेन थीटा प्लस इसमें सिर्फ म्यू एस बचा वो लिख दिया हमने। अब आ जाएंगे यहाँ पर नीचे क्या क्या बचा है इसमें, एन कॉस थीटा पूरा कैंसिल हुआ कुछ नहीं बचा, तो क्या लिया वन, इसके बाद हमने क्या लिया माइनस
म्यू एस हमने लिखा, फिर ये एन एन कैंसिल होके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसके इक्वेशन में ये मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं अपर लिमिट की, लेकिन लोअर लिमिट में कल क्या फार्मूला हमने प्रूव किया था, क्या फार्मूला प्रूव किया था हमने कि यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, मैक्सिमम में क्या हो गया, ऊपर प्लस आ गया नीचे माइनस आ गया। बच्चों अब अगर फर्ज करो ये जो कंडीशन है ये कई की है, अपर लिमिट की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम म्यू एस को कॉट थीटा अगर फर्स्ट कर लेते हैं, म्यू एस को कॉस थीटा अगर फर्स्ट कर लेते हैं, तो कॉट थीटा क्या होता है बेटा, वन अपॉन टेन थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले को देखो, और वही फॉर्मूले में इस म्यू एस की जगह पे यहाँ नहीं यहाँ पे इस जगह पे टेन थीटा रख कर देखते हैं, म्यू एस की वैल्यू टेन थीटा। तो ये वैल्यू हमने पूरी ऊपर की सेम लिख दिया, वन माइनस म्यू एस की जगह पे हमने लिखा वन अपॉन टेन थीटा टेन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, वन माइनस वन दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर ये जीरो हो रहा तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटिव, क्या होगी बच्चों, इन्फिनिटिव, यानी कि मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। लेकिन यानी कि इस पर अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो स्पीड हमारी मैक्सिमम, यानी कि इस पर हम कितनी भी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी हमारी आगे की जानी नहीं खिसकेगी। कब पॉसिबल होगा, जब हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, कॉट थीटा ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों इसका एंगल कितना होना, एंगल कितना होना, इसका एंगल ये पॉसिबल करने के लिए मीन थीटा या तो ग्रेटर होना या फिर इक्वल होना किसके, 45 डिग्री के, 45 डिग्री के क्या होना, या तो थीटा ग्रेटर होना या फिर इक्वल किसके, 45 डिग्री की। तो ये सब कंडीशंस क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। बात समझ में आ गई। तो बच्चों पहले हमने क्या देखा था लेक्चर में, मोस्ट सेफ स्पीड देखा, थीटा की वैल्यू निकाला, इसके बाद लोअर लिमिट में मिनिमम स्पीड निकाला, आज हम क्या निकाले बच्चों, मैक्सिमम स्पीड। इसको जल्दी से आपको क्या करना है, नोट करना है कॉपी में, इसकी प्रैक्टिस बहुत करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई में नीट में बहुत सारी जगहों पर आपको ये टॉपिक मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अच्छे से इसको लिखो। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, आप पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी ही आपको मिलेगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।